फाइनली नेपाल के अंदर आ रहा है एक और नया प्रोजेक्ट और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की शाखाएं जुड़ी हुई हैं ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह, आप देख रहे हैं कमालिया। इस वक्त हम बात करने वाले हैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में। एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट कौन से सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट की बात करता है, और अगर इस सेक्टर के अंदर या फिर हम ऐसे कहें कि ईयू जिन सेक्टर को डेवलप्ड करने की बात कर रहा है वो अगर डेवलप्ड हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि नेपाल को कितना परसेंट फायदा होने वाला है, और इन प्रोजेक्टों की कीमत क्या हो सकती है, कितने रुपए ईयू सहायता के रूप में दे रहा है नेपाल को, नेपाल के अंदर ये प्रोजेक्ट कितने कारगर साबित हो सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कोई अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोस्ट ऑफ फैक्टर जो कि पड़े थे नेपाल की अर्थव्यवस्था के ऊपर वो कोविड-19 महामारी के कारण पड़े थे। ना केवल नेपाल के अंदर बल्कि विश्व के उन चुनिंदा देशों में ही बचा था वो प्रकोप, बाकी सारे देशों के अंदर अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा था। और ये असर कुछ देश झेल गए जो कि ऐसे कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्री हैं, और वो वापिस से आगे निकल गए। लेकिन बहुत से छोटे छोटे देश जिसके अंदर नेपाल भी शामिल है वो आज तक इतना ज़्यादा उभर नहीं पाया है। लेकिन एक चीज़ की तारीफ करनी होगी नेपाल के लिए कि उन्होंने इतनी यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें सहन करने के बावजूद भी अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है। जरूर है कि नीचे गिरी है लेकिन श्रीलंका की तरह उजड़ी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि अपना काम चला सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो यूरोपियन संघ है यानी कि ईयू है वो नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, और जिस प्रोजेक्ट की कीमत अगर सुनेंगे आप तो वास्तव में हैरान रह जाएंगे। इसकी कीमत है 16.7 मिलियन यूरो। दोस्तों, यूरो में बोल रहा हूं मैं, मिलियन, ये तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा हुआ, 160.7 करोड़ रुपए। नहीं, ये भी यूरो, करोड़ यूरो। और इस यूरो को आप नेपाली करेंसी के अंदर कन्वर्ट खुद कर सकते हैं। इंडियन करेंसी के अंदर इस एक यूरो की लगभग 85 के राउंड यहां पे वैल्यू होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। अब चलिए जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस किस क्षेत्र में काम करने वाला है। यूरोपियन संघ ने ये जो पैसा इन्वेस्ट करने की सोची है नेपाल के अंदर वो दो सेक्टर के अंदर काम करेगा। पहला सेक्टर होगा यहाँ पे एग्रीकल्चर, और दूसरा सेक्टर होगा एजुकेशन सेक्टर। अगर बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यहाँ पे वो सारे के सारे डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो गया या फिर नई किस्में हो गई या फिर किसानों के लिए अच्छे से अच्छे उपकरण हो गए जिसके अंदर सिंचाई भी शामिल है, कुएं बावड़ियां जिस प्रकार से भी सिंचाई हो सके ज़मीन की वो सारी की सारी चीज़ें, और ऐसे ऐसे यहाँ पे नए पौधों का विकास करना जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार यहाँ पे बना सके और जिससे कि यहाँ पे इकोनॉमी है जो नेपाल की वो आसानी से सुधर सके। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूनियन के द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। अगर बात करें यहाँ पे यूरोपियन संघ ने कहा है कि 2019 से 36 मिलियन यूरो के साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर विकास कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर अगर 2016 की बात करें तो ये 81 मिलियन यूरो के साथ स्कूली क्षेत्र का विकास भी चल रहा है, और उसी के अंदर हम और ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट उठाते हुए इसे 16.7 मिलियन यूरो का अनुदान देकर नेपाल के इस दोनों क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले। मैं आपको बता दूं कि जो स्कूलिंग है उसके अंदर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था कोविड-19 महामारी के कारण, क्योंकि बच्चे पिछड़ चुके हैं। बहुत सी आपने स्टेज देखी होंगी जिसके अंदर बच्चे फोर्थ क्लास में हैं या फिर सिक्स्थ स्टैंडर्ड में हैं लेकिन उनका एक्चुअल स्टैंडर्ड इतना नहीं है। उसका रीजन है 2 साल वो जिसके अंदर वो ना तो स्कूल गए, ऑनलाइन क्लासेस इतना ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पाई, जिसकी बदौलत जो पीछे रह गया वो कम से कम अब भरपाई की सकती है। निगरानी के परिणाम स्वरूप नई राष्ट्रीय कृषि नीति और नई राष्ट्रीय कृषि नीति विस्तार रणनीति को भी रेखांकित किया जाएगा ईयू के द्वारा, और नेपाल को 2035 के दृष्टिकोण पर रखा गया है कि 2035 तक नेपाल आत्मनिर्भर, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी समावेशी कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। विकास और बेहतर आजीविका जिसके अंदर खाद पोषण सुरक्षा में भी योगदान मिलेगा, और जिससे खाद्य संप्रभुता प्राप्त होने में कोई कसर नहीं रहेगी नेपाल।
पुर्तगाल की तरफ से। और ये यूरोपीय संघ जो कि हमेशा से अलग अलग देशों के अंदर करता आया है, वो उनका साथ अब नेपाल के साथ भी है। कहीं ना कहीं नेपाल को बहुत बड़ी खुशी की खबर है ये। क्या आप भी यही मानते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।